ख्याल। और आइए आपको मिलवाते हैं गंगूबाई से, जिन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और फिर उसे जीत कर इतिहास रच दिया है, क्योंकि उन्होंने ये सब किया है 94 साल की उम्र में। नाम गंगूबाई निवृत्ति भांबुरे, पता खेड़ा तालुका पुणे, उम्र 94 साल, पेशा सरपंच। जी हाँ, और इस उम्र में भी जोश में कोई कमी नहीं है। 94 की उम्र में पुणे जिले के खेड़ा तालुका के बंबुरवाड़ी गांव में गंगूबाई निवृत्ति भांबुरे को निर्विरोध सरपंच चुना गया है और इसी के साथ ये बन गई हैं सबसे उम्रदराज महिला सरपंच। गांव वाले लोग प्यार से गंगूबाई को आई या आजी कहते हैं। पुणे में और भी कई महिला सरपंच हैं, पर सबकी उम्र 60 साल से कम ही है। महाराष्ट्र में पहली बार इस गांव की 94 साल की महिला का चुनाव सरपंच के लिए हुआ है। इस गांव के लोगों ने आज ही को एक मत से चुना है। चुनाव लड़ने का निर्णय खुद गंगूबाई का ही था। सरपंच बनने के बाद गंगूबाई का कहना है कि अब उनके काम करने का समय आ चुका है। गंगूबाई को लोगों से बात करना बेहद पसंद है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुन काम करना चाहती है। गंगूबाई के 7 गांव के एरिया में 15,000 लोग रहते हैं। यहाँ के किसान प्याज की खेती ज्यादा करते हैं, इसलिए जो काम वो सबसे पहले करना चाहती हैं, वो है नाली वाला सिस्टम, टॉयलेट बनवाना, गरीबों के लिए घर और बढ़िया रोड बनवाना। दिन बदल गए हैं, सब अच्छा चल रहा है। अब मुझे सरपंच चुना गया है तो हम सबके साथ मिलके और सब लोगों की सहमति से काम शुरू करेंगे। गंगूबाई ने इस उम्र में सरपंच चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। इन्हें भले ही पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वे अपने लोगों की समस्याओं को बखूबी समझती हैं। आज गंगूबाई सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि युवाओं को भी प्रेरित कर रही हैं समाज में एक व्यापक और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए। क्योंकि अगर गंगूबाई इस उम्र में ये जिम्मेदारी निभा सकती हैं, तो हम क्यों नहीं। पुणे से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट।